निर्मल और सुशीला का लिट्टी चोखा शहर में बहुत फेमस था। निर्मल बहुत ही उम्र दराज था और 25 साल से वो एक ही जगह पर लिट्टी चोखा बेच रहा था। उसकी पत्नी सुशीला भी उसी के साथ ढाबे पर मदद करती थी। सुनते हो, आपने पिछले महीने का हिसाब मुझे ठीक से नहीं दिया है। 1000 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। अरे ऐसे कैसे? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ भैया, बोलिए क्या दूँ? अरे चचा, 10 लिट्टी पैक कर दो। सुशीला, 10 लिट्टी पैक कर देना और घी वाली देना। अरे चाचा जी, वो आपकी पत्नी है। ये दुकान आप और आपकी पत्नी ही चलाते हैं। हाँ बेटा। अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं रख लेते? अरे बेटा, बरसों से हम दोनों ही चला रहे हैं। हमें इस दुकान से बहुत प्यार है। आज तक किसी की मदद नहीं ली। हम दोनों ही इस ढाबे के लिए काफी हैं। और अच्छी बात है, आप दोनों का प्यार बहुतों के लिए प्रेरणादायक है। वो आदमी मीडिया से होता है। वो निर्मल और सुशीला की कहानी अपने न्यूज चैनल पर जीवन की कहानी सेक्शन में चलाता है। निर्मल और सुशीला को लोग बहुत पसंद करने लगते हैं। बहुत सारे लोग उनके लिट्टी चोखा के ढाबे पर जाते भी हैं और उन्हें बधाई देते हैं। सुशीला, क्या तुमने देखा लोग हमें कितना प्यार दिखा रहे हैं? हम दोनों इतने साल से साथ हैं। ये लोगों को बहुत प्रेरणादायक लग रहा है। अच्छी बात है। आशा है हम लोगों को जीवन में अच्छी बातें सिखा पाए। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। मैं तो रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी मिली। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। आपका भी शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जल्दी ही वापस आऊंगी और फिर आपके मनपसंद दही बड़े बनाऊंगी। ठीक है, जाओ। तब तक मैं ढाबा खोलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सुशीला मंदिर की ओर चल देती है। निर्मल अपना ढाबा खोलने लगता है। दोपहर हो जाती है पर सुशीला वापस नहीं आती। निर्मल को चिंता होने लगती है। बहुत देर हो गई। अब तक तो सुशीला को कृष्ण भगवान के मंदिर से वापस आ जाना चाहिए था। ना जाने कहां रह गई। किसी से पूछता हूँ। निर्मल इधर उधर जाकर दुकान वालों से सुशीला के बारे में पूछता है। किसी को भी सुशीला के बारे में पता नहीं होता। अब तो रात हो गई, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो बहुत चिंतित होकर पुलिस स्टेशन की ओर निकलता है। तभी उसे रास्ते में ऋषभ मिल जाता है। ऋषभ उसी के मोहल्ले वाला लड़का था। निर्मल अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? आप बहुत चिंता में लग रहे हो। बेटा, सुशीला आंटी सुबह ही कृष्ण भगवान के मंदिर के लिए निकली थी पर अभी तक नहीं लौटी। मैं उन्हीं के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। इतनी रात में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। निर्मल और ऋषभ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। निर्मल वहां अपनी कंप्लेंट लिखवाता है। आपकी पत्नी की क्या उम्र थी? वो किस तरह के कपड़े पहनकर बाहर निकलती थी? जी, उम्र कुछ 60 के लगभग थी और वो पीले रंग की साड़ी पहनकर बाहर निकलती थी। तभी पुलिस वाला अपने ड्रॉअर से निकालकर एक फोटो निर्मल को दिखाता है। क्या यही आपकी पत्नी है? जी हाँ, यही है। पर इसकी फोटो आपके पास कैसे आई? निर्मल और ऋषभ बहुत घबरा जाते हैं। अजी, आज सुबह इनका कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने एक्सीडेंट हो गया था। हमने इनका पता ढूंढने की कोशिश करी। हमें शुरू में कुछ पता ही नहीं चला। फिर बाद में पता चला कि ये निर्मल लिट्टी चोखा वाले की बीवी है। हमने कुछ लोग आपके घर भेजे थे पर आप वहां मिले ही नहीं। मैं इसे खोजने बाहर निकला था, फोन भी घर पर भूल गया था। साहब, सुशीला ठीक तो है? कौन से हॉस्पिटल में है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। देखिए साहब, मुझे ये बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई।
ये सुनते ही निर्मल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है, पर ऋषभ उसे संभाल लेता है। अरे अरे निर्मल अंकल, खुद को संभालिए। बेटा सुशीला, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? सुशीला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती? मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा? निर्मल बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ऋषभ उसे संभालने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से एक जगह बिठाता है। उसके बाद वो पुलिस की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने जाता है और निर्मल को भी घर लेकर जाता है और सुशीला का अंतिम संस्कार का भी सारा जिम्मा उठाता है। एक महीना बीत जाता है। निर्मल अपने ढाबे पर अकेला बैठा होता है। अंकल, अब आप कैसे हो? आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस होगा बेटा, मेरे पास इस दुनिया में अब बचा ही क्या है। मैं तो अब ये दुकान भी बेच दूंगा। इस दुकान पर बैठने से मुझे सुशीला की बहुत ज्यादा याद आती है। अब तो बस अकेले मौत के आने का इंतजार करूंगा ताकि मैं भी जल्दी सुशीला के पास पहुंच जाऊं। इतना कहते ही निर्मल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋषभ उसके पास बैठता है और कहता है, अंकल आप ऐसा क्यों कहते हो? ये लिट्टी चोखा ढाबा तो हमारे मोहल्ले की शान है। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इससे। इसे मत बेचो। मैं हूँ ना, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको अपने माता पिता समान मानता हूँ। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इसके बाद ऋषभ निर्मल की दुकान में रोजाना मदद करने के लिए जाता है। ऋषभ धीरे धीरे निर्मल को रिकवर करने में मदद करता है। चाचा जी आप चिंता मत करो, आपका ये ढाबा हमेशा चलता रहेगा। सारी दुनिया आपके और सुशीला आंटी के प्यार को याद रखेगी। आपका प्यार अमर रहेगा, आपसे ये मेरा वादा है। ऋषभ बेटा, सुशीला के बाद तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। इस दुनिया में अब बस तुम ही मेरा सहारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऋषभ और निर्मल मिलकर ढाबे को चलाते हैं। 4 साल बाद निर्मल की भी मृत्यु हो जाती है। तब ऋषभ उस ढाबे को अकेले चलाता है और निर्मल और सुशीला की कहानी सबको बताता है और कहता है कि ये ढाबा उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है। निर्मल और सुशीला का ढाबा बहुत तरक्की करता है और पूरे देश में फेमस हो जाता है। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूर पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथों की तंदूर का जवाब ही नहीं अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल्स की तंदूरी खाई है, पर आपके हाथों में जो बात है वो तो कहीं और है ही नहीं। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था, सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफसर ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ जनाब, काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में पक रही कुराफाती ख्यालों से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई और खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको दूसरे खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा। वो क्या है कि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं, इसलिए। जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छे से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने अच्छे मन से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया। पर अफजल बहुत ही शातिर था, उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून था। इसीलिए उसने एक नए पोल्ट्री वाले से सौदा कर लिया
ये पोल्ट्री वाला अफसल को मरी हुई मुर्गियाँ सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफसल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बा। मैंने सुना है तूने पोल्ट्री वाला बदल दिया है। हाँ अब्बा, ये नया पोल्ट्री वाला हमें कम दामों पे मुर्गी दे रहा है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियाँ पहले से मरी हुई हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह ना करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, हर होटल वाले यही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो। अच्छा हो या बुरा हो, वो तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए चला गया। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, पर अफजल मियाँ मेरी बात सुनेंगे नहीं। बेहतरी इसी में है कि मैं ये काम ही छोड़ दूँ। अब्दुल ने सोच लिया था कि वो सुल्तान होटल में खानसामे का काम छोड़ देगा। अगली सुबह वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा जमीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूँ। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियाँ? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम करके रह लूँगा, पर बेईमानी में भागीदारी नहीं करूँगा। अब्दुल ये बोल कर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में नौकरी की तलाश की, पर उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक दिन वो दोस्त मुस्तफा की साइकिल शॉप पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूँगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन बोल रहा है कुछ और काम करो? मैं तो ये बोल रहा था कि तुम अपना तंदूरी का काउंटर खुद ही खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तंदूर बहुत महंगा होता है, ऊपर से होटल भी चाहिए ना, फिर उसका भाड़ा, इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मसलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने दो पुरानी साइकिल रिम्स ली और उनमें छेद करके सलाइयां डाली। ले, तैयार है। ये क्या, समझाता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी की लकड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब उसके नीचे तू जलते हुए कोयले रख और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, तुझे ये कैसे सूझा? बस शायद तेरी मदद करनी थी इसलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले दिन से मुस्तफा ने हाथ गाड़ी पे तंदूरी बेचना शुरू कर दिया। मुस्तफा तंदूरी बनाने में उस्ताद था, क्योंकि उसका होटल नहीं था इसीलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। मुस्तफा के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा हुआ और मरी हुई मुर्गी बेचने की वजह से होटल को सील कर दिया गया और अफसल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का नियम है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। राजस्थान के एक गांव में एक चोर श्यामलाल रहता था। श्यामलाल एक चतुर और चालाक चोर था, हमेशा कुछ न कुछ कारनामे करने की फिराक में रहता। उसी शहर में रॉबर्ट विदेश से घूमने आया था। वो स्टेशन पर उतरा ही था कि श्यामलाल की नजर रॉबर्ट के बैग पर पड़ गई और अपने खेल में माहिर श्यामलाल चोरी करने निकल पड़ा। रॉबर्ट किताब की दुकान से कुछ किताबें खरीद ही रहा था कि श्यामलाल ने अपनी चाल चली। भाई साहब, मैं पहली बार राजस्थान आया हूँ,
यहाँ के परंपरा के हिसाब से मुझे खिताब दे दो। घणी खम्मा जी, घणी खम्मा, हिंदी तो अच्छी बोल लेते हैं आप, और ये लीजिए किताब, यहाँ के बहुत ही मशहूर लेखक की है, इसे पढ़ते ही आप आधा राजस्थान तो ऐसे ही घूम लेंगे। हाँ जी जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। बस मुझे बता दीजिए वॉशरूम कहाँ पर है? जी उस तरफ, बिल्कुल मुफ्त। हाँ बिल्कुल मुफ्त, जल्दी आओ वरना लाइन लगानी पड़ जाएगी। रॉबर्ट किताब वाले की बात सुनकर वहाँ से बाथरूम चला जाता है कि तभी श्यामलाल ने वहाँ पर उसकी बैग पड़ी हुई देखी और वो बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। रॉबर्ट जब वहाँ पर आया तो अपना बैग ना पाकर वो बहुत ही चौंक गया। अरे मेरी बैग, मेरे क्लोथ्स, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, मैं कहाँ जाऊँ अब? अरे 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 साहब, इतना परेशान मत होइए, जाकर देखिए कोई गलती से तो नहीं ले गया। आजकल यहाँ पर कई केसेस आए हैं कि बैग अदला बदली हो जाती है। वो क्या है कि मैं ग्राहकों में व्यस्त था तो ध्यान नहीं दे पाया। रॉबर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही अपने बैग और सामान को ढूंढने लगता है। कई घंटे ढूंढने के बाद भी जब कुछ भी नहीं मिला तो रॉबर्ट थक हार कर जाकर एक गार्डन में बैठ गया। बहुत जोर से भूख लगी है, कपड़े भी चले गए, पैसे भी चले गए, बस जेब में अब 50 रुपए बचे हैं, इसमें मैं क्या करूँगा? रॉबर्ट को परेशान देखकर वहाँ पर प्रेम आ जाता है। प्रेम उसी गांव के सरपंच का बेटा था जो कि खुद भी सरपंच बनना चाहता था। क्या हो गया भाई, इतने परेशान क्यों हो, कोई बात हो गई या किसी ने कुछ कह दिया? मेरा इस गांव में उतरते ही सारा सामान चोरी हो गया। मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मैं तुम्हें राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा खिलाता हूं, यहां यही प्रसिद्ध है। प्रेम रॉबर्ट पर दया खाकर उसे दाल बाटी चूरमा खिलाने के लिए ले गया। क्यों भाई, ताजा ताजा दाल बाटी चूरमा इन्हें खिला दीजिए, पैसे मेरे खाते में लिख लेना। प्रेम के इतना कहते ही रॉबर्ट ने दाल बाटी चूरमा खाना शुरू कर दिया। वाह, आई मीन डिलीशियस, इतना इतना स्वादिष्ट, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, बहुत बहुत मस्त है, बहुत मस्त। क्यों, अच्छा लगा ना? देखना हमारे राजस्थान का खाना पूरी दुनिया में नंबर वन है। मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहता हूँ, थैंक यू, बस एक मेरी और हेल्प कर दीजिए ना। अरे तुम हमारे मेहमान हो, बोलो क्या मदद करनी है, मैं तैयार हूँ। मुझे व्यापार का अच्छा नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दाल बाटी चूरमा का बिजनेस खोल दो, यानी कि व्यापार खोल दो, मैं सारे पैसे तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, अगर मुनाफा हुआ तो तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अगर मैंने इसे पैसे देकर इसकी मदद की, पूरे गांव में बोलबाला हो जाएगा, सब मुझे ही सरपंच बनाएंगे कि विदेशी की मैंने मदद की, और इसका काम भी हो जाएगा। अरे रॉबर्ट जी, इसमें पूछने की क्या बात है, आप आज से क्या अभी से ही हमारे घर के पास वाले दुकान पर ही अपनी दाल बाटी चूरमा बेचना शुरू कर दीजिए, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। प्रेम की मदद से रॉबर्ट ने दाल बाटी चूरमा की दुकान खोल ली। चंद दिनों में ही पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई कि अंग्रेज का दाल बाटी चूरमे का दुकान है। चर्चा इतनी फैल गई कि पूरे शहर के लोग अंग्रेज का दाल बाटी चूरमा खाने आया करते थे। क्यों भाई, अरे मुझे भी दे दो दाल बाटी चूरमा, हमने सुना है कि बड़ा अच्छा बना लेते हो। अरे ये तो यहाँ के लोगों का प्यार है, ये सब मेरे अंग्रेज होने से नहीं, दाल बाटी चूरमा से ज्यादा प्यार करते हैं। 6 महीने के बाद व्यापार इतना बढ़ गया कि रॉबर्ट ने 6 महीने के अंदर ही अपनी बड़ी सी दाल बाटी चूरमा की दुकान खोल ली और प्रेम का सारा पैसा उसे वापस भी कर दिया।
आइए आइए प्रेम जी, आइए, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। पूरे 6 महीने में मैं इतना सब कुछ कर दिया कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो ना जाने मैं कहाँ होता। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं दोस्त, तुमने मेहनत की और ये सब उसी का फल है। अब बस जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, तुम भी मेरी मदद करना। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, बस बताना आपकी कैसी मदद चाहिए। देखो सरपंच के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तुम मेरी मदद करो। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरे सरपंच के चुनाव में तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी वक्त श्यामलाल की नजर रॉबर्ट पर पड़ जाती है। अरे ये तो वही अंग्रेज है ना जिसे मैंने कुछ महीने पहले कंगाल किया था। लगता है अब यहीं रहने लगा है, इसे तो मैं फिर से कंगाल करके छोड़ूंगा। प्रेम श्यामलाल को देखकर समझ जाता है कि जरूर उस चोर के मन में कुछ तो खुराफात चल रहा है। रॉबर्ट तुम अपनी दुकान का ख्याल रखना, कुछ अनहोनी ना हो जाए। रात को जागना, रात को चौकन्ने रहना, और आज रात मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर ही रहूंगा। दोनों मिलकर दुकान का ध्यान रखेंगे, साथ में लकड़ी और कुछ पत्थर रख लो। जरूर जरूर, आज रात हम दाल बाटी चूरमा खाकर यहीं सो जाएंगे। मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ, आज आप भी आ जाना, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगा। लकड़ी और पत्थर दोनों दुकान में पहले से ही पड़े हैं। वो क्या है कि कुत्ते बिल्ली रात को तंग ना करे, इसलिए मैंने पहले से ही रखा हुआ है। रात को प्रेम और रॉबर्ट खाना खाकर सो ही रहे थे कि श्यामलाल चोरी करने के लिए अंधेरे में आ गया। लगता है अंग्रेज सो गया है, हाथ साफ कर लेता हूँ। इतना सुनते ही प्रेम और रॉबर्ट ने श्यामलाल को धर दबोचा। अरे रुक जाओ रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ, सब चुरा लोगे, अब जेल चलकर सारी बातें बताना। प्रेम और रॉबर्ट श्यामलाल चोर को पुलिस के पास लेकर जाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पूरा शहर प्रेम के इस बहादुरी से बहुत खुश हो जाता है। अब मेरे लिए सब कुछ हो प्रेम जी, आपने तब भी मेरी मदद की थी और अब भी मेरी मदद की है। मैं आपके बारे में विदेश जाकर सबको बताऊंगा, फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा, यहाँ के लोगों को आपके दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद आए, इसे आप लोगों को खिलाते रहिए और अपना व्यापार अच्छा करते रहिए। शहर और गांव में चर्चा होने लगती है और अपने पिताजी की तरह प्रेम भी शहर का सरपंच बन जाता है।